कॉमेडी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है और हम लेकर आ रहे हैं ग्रैंड मस्ती। और ग्रैंड मस्ती के इस ग्रैंड एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारी जूरी अर्चना जी को। पहली मस्ती मेरी वजह से हिट हुई थी ना, तो फिर दूसरी में क्यों नहीं लिया? बता कि ग्रैंड मस्ती में एक्चुअली 18 से नीचे लोगों को अलाउड नहीं है ना। अबे तुझे कहाँ से स्वीट 16 लग रही है? क्या बोला? मेरा मतलब एक्सप्लेन प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम, बजट का प्रॉब्लम था ना। प्रोड्यूसर ने कहा कि या तो तीन हीरो को ले लो या तो एक विलन को। तुमने तीन हीरो ले लिए। वेलकम टू बिंगो यमी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली। बार गर्ल राखी बन गई है सिद्धार्थ की सेक्रेटरी, लेकिन क्या समाज के ठेकेदार उसे जीने देंगे शरीफ जिंदगी? प्लीज वेलकम महाबली कृष्णा, सुदेश के योद्धा, राखी एज अ सेक्रेटरी एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। कल रात तुम अपना ये मेरे कमरे में भुलाई थी। श्रुति, आई लव यू। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम? तेरे को जवान बोलो तो प्रॉब्लम, बुड्ढी बोलो तो प्रॉब्लम, अच्छी सी चिता देख के लेट क्यों नहीं जाती? अच्छी सी चिता देख के। लेकिन एक बात की खासियत इस लड़की की, मेहनती बहुत है। अच्छा। इसने खुद मेहनत करके बैंड्रा में 3 BHK वाला बॉयफ्रेंड बनाया है। ओ सॉरी, 4 BHK वाला, मैं अरबाज जी ने कल ही लिया, भूल गया था मैं। खैर छोड़ो, इस साइड कैरेक्टर की बात क्यों करें, हम बात करते हैं हीरोज की। आज हीरोज आए, जोरदार तालियां। सलीम जी के बेटे अरबाज जी, विलास राव जी के बेटे रितेश जी, सुरेश जी के बेटे विवेक जी। आप कौन भाई साहब? नहीं एक्चुअली क्या है सर, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में। वो तो नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है सर, और हम लोग देखना ऐसा काम करेंगे इंडस्ट्री में, हर गली में अपने बच्चे होंगे अंकल अंकल पापा पापा। देखना ग्रैंड मस्ती के लिए कितनी ग्रैंड कास्ट आई है, रितेश, विवेक, आफ्ताब, प्रताप, मनोज, पंकज, धीरज। लड़कियां कहां हैं? खुद ने ग्रैंड मस्ती कर ली, हम मस्ती भी ना करें। अच्छा हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे छोटा सा चीज मैं यहाँ से भेजता हूँ वहां से बड़ी होकर आती है। हमने अंगूर भेजे, वहां से वो कद्दू भेजते हैं। हमने यहाँ से पॉम्फ्रेट मच्छी भेजी, वो व्हेल मछली भेजते हैं। हमने ऐसे मगरमच्छ भेजे, उन्होंने अर्चना भेज दी। हमने यहाँ से श्रुति भेजी, उन्होंने रख ली। वापस ही नहीं करे। मैंने फोन किया, मैंने वापस करो, कहते आज से डील कैंसिल, तुम लोग सड़ा हुआ माल भेजते हो। खैर मैंने अपनी कंपनी में सब कुछ रख लिया, मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी सी सेक्रेटरी भी मैंने रखी है। मैं कहता हूँ अगर आप फोटो देख लें, मैंने सिर्फ फोटो देख के रखा, लल्लन टॉप सेक्रेटरी है जूली। जूली हाँ कहाँ खड़ी हूँ, मेरे पास आओ जूली। नहीं सर मैं ऐसी ठीक हूँ। आती है या निकालू नौकरी से? यहाँ से जाती है कि नौकरी से निकालू? एक पैर में हील, एक पैर में चप्पल पहनी है क्या? दोनों पैर में हील पहन क्या? चलो तमीज से बात कीजिए सर, ऊपर वाले ने मुझे बड़ी शिद्दत से बनाया है। जी तो करा, तेरी शिद्दत तोड़ दूं। मेरा मतलब है तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कमल का फूल खिल सकता है? हाँ हाँ कैसे? क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है ना। हाँ हाँ मैं कीचड़ हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि हाँ मैं एक बार डांसर हूँ। बार डांसर? बार डांसर होकर सेक्रेटरी है तू? ये तो वही बात हो गई, पेमेंट तेरे को जज की मिल रही थी मगर बनना तू एंकर चाहती है। सर आपकी वाइफ का फोन। वाइफ का फोन? हेलो हाँ डार्लिंग, हाँ शाम को नहीं, शाम को रात को नहीं आ सकता, आज रात को मेरी मीटिंग है, बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा। सर आपकी कोई मीटिंग नहीं है, आप जा सकते हैं सर, यू आर फ्री सर। हाँ सर।
तो भड़क क्यों रही हो? हाँ, आँख में मुक्का खाया था। सरिया तो कल ही मारा तूने पीठ पे। ठीक है, आज नाक में तेजाब डाल देना। तेरी बहन की डिंडोसी, तेरी माँ का कुर्ला, बड़ी आई। दूर है, ऐसे लात मारूंगी तेरे खंडाला पे। कि तेरा खंडाला पे कभी बारिश नहीं होगी। फंसा दिया मेरे को, इतनी मुश्किल से छूटा था मैं। अब आ रहे मिस्टर मल्होत्रा, उनसे प्रोडक्ट ले लेना, उसको सेल कर देना। सर ऐसा धंधा करूंगी कि आप बिल्कुल चिंता ही ना करो, आप खुश हो जाओगे सर। बॉस तो चला गया और मल्होत्रा को भी आने में टाइम है, तो मैं आप सबको एंटरटेन करती हूँ। जो सर बता के गए थे। माय सेल्फ बंटी, मेरी कंपनी का नाम है बंटी मल्होत्रा का उल्टा कच्छा। अजी बताओ कैसे कच्छे चाहिए आपको? पहले आप बताओ कि आपके पास कैसे कच्छे हैं? हमारे पास जी बड़ी टेक्नोलॉजी वाले कच्छे, ऐसे कच्छे हैं आप आलू का पराठा खाओ या मूली का, बात कच्छे से लीक नहीं होती। अगर सलमान ऐड करने वाले हमारी, पता कैसे? हाँ? सुसु के आने के लिए कच्चा उतरने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? 15 सालों से मेरा भरोसा, बंटी मल्होत्रा का उल्टा कच्चा, पहनो जी भर के। नसीर भी आए थे, वो कहते राठौर साहब ये कच्चे एक्सेप्टेबल हैं। 4 कॉकरोच मेरे कच्चे में घुसाए थे और मेरा कच्चा गंदा कर रहे थे, लेकिन आज मैं अपने कच्चे बदलना चाहता हूँ, पहनिए बंटी मल्होत्रा के उल्टे कच्चे। हेलो। हाँ सर, क्या 2 लाख कच्चे चाहिए? अरे सर, हाँ हाँ मैं बहुत सस्ते वस्ते में ले लूंगी सर, ये पड़ गया ऐसी। हाँ हाँ ठीक सर, ओके। एक मिनट मैडम, मैं कराता हूँ 2 कच्चे, मैं करता हूँ 2 लाख कच्चे। हेलो, अपने मैनेजर के फोन में, पिंकू 2 लाख कच्चे चाहिए। 2 लाख कच्चे जला दिए? क्यों? कच्चों में 2 छेद है साले, उसमें पैर डालते हैं। चले पहने हो तो पता चले तुझे, बेवकूफ कहीं का। कितने कच्चे बचे? 3। नहीं जला दे, मैंने ट्रेलर देख लिया, इन लोग का ये नहीं पहनते। कच्चे जल गए मैडम, हमारे कच्चे वापस करा दो प्लीज, थैंक यू सो मच। आर्ची, तो महाबली, कृष्णा, सुदेश के योद्धा, सिद्धार्थ और राखी की इस परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक्ट बहुत कच्चा अच्छा था, बहुत अच्छा था। In all a very, very, very entertaining. Thank you. Arbaaz? Siddharth, amazing. As an actor, you're growing from strength to strength. Rakhi, I think you're doing very, very well. And I think this combination is really working perfect. Thank you. Vivek? Hasas ke pet dard ho gaya yaar. Bahut maza aaya. I just loved the performance. Thank you, Siddharth. Outstanding. Time now for the score. 9 points from Arbaaz. 9 points from Archie. यहाँ वहाँ की टेंशन से यमी टोस्ट ब्रेक दिलाने के लिए हमारा अगला एक्ट लेकर आ रहे हैं महाबली भारती शकील के योद्धा सुरेश मेनन एज अ जज विद मुबीन एंड जैमी एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ सुरेश मेनन, मैं यहाँ इस देश का सुपरस्टार हूँ। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, क्या कि मैं एक फिल्म शूट कर रहा हूँ ग्रैंड मस्ती, जिसमें एक्चुअली मैं लीड रोल कर रहा हूँ। उस पिक्चर में 10-12 लड़के लड़कियाँ भी हैं मेरे साथ। 3 तो बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं। एक मिनट, आई हैव टू डू द ड्यूटीज ऑफ द ब्यूटीज। एक्सक्यूज मी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ओके, फर्स्ट कंटेस्टेंट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। Ciao. Oh, wow, 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 wow. Apna naam batao, naam batao, naam batao. Myself, Jay Sawant. Ow! Hey, 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 galat, 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 galat. Dekhiye, awaaz mein dam honi chahiye, dam. Awaaz mein dam honi chahiye. Iska matlab, Master Bassist kabhi gaana nahi ga sakte? Oh, aise kaise ho sakta hai? Wow.
I love. Of course, गा सकते ना रे. Oh my God, sir, अगर आप ये show judge कर रहे हैं, तो मुझे आपसे 10 marks चाहिए 10. टेंडुलकर से 10 चला गया, तो मैं क्या डुलकर लेकर घूमूंगा? Oh my God. I go, shut up. तू मुंबई मजा है, ये वो शकनार ना ही go. Hey! तू जा ढगाला लग मरी ना, तो पानी ठीम ठीम करे. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. ईस्ट और वेस्ट, महाराष्ट्र से वेस्ट. Now you go and rest, go and rest, go and rest. बाप रे. Very difficult, very difficult. Nonsense. देखा कैसे डांट के भगा दिया. मैं किसी से डरता नहीं हूँ. Okay, next contestant. Time for grand salute. Aye, aye, aye. Oi! इधर grand salute नहीं. Only grand मस्ती की बात है कि कोई शक. Oi! 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 Come on, dude. Yeah, what's this, यार? तुम mimicry करके, you know, नाम नहीं कमा सकते, पैसे नहीं कमा सकते, dude. बताओ ये बात कौन बोल रहा है? देखो भैया, कॉमेडी सर्कस में सब हमको मिमिक्री के पापा मानते हैं. अरे बाप. ठीक है, तो पेश है मुबीन आज विवेक ओबरॉय के पापा सुरेश ओबरॉय. बेटे राजस्थानी आदे बेटे, उसने उस राजस्थानी के लिए अपने बाप को ठुकराया है. अर्चना याद है तुमने मुझे बहकाया था? अर्चना याद है तुम्हें? मुझे बहका कर तुम यहाँ पर आज नहीं सकते. हाँ राज कर, वाह वाह करता रह, कार्य तो काली पड़ गा. हाँ कुछ भी रहा क्या रहा यार, तू उधर से जा, तू मुंबई नहीं आ सकते, जाना राजो जा. ओए मुझे मुंबई आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई शक 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 शक्तिमान. अर्चना क्या आप हंसना भूल गई हैं? जी 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 जी. बाप रे, अर्चना को देख के इनको करंट लग गया, सीधा बाहर चला गया. ओके, नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है आशा, लेकिन आशा जी से मिलने से पहले हम लोग मिलेंगे उनकी फैमिली से. देखो तुमको मेरा टैलेंट दिखाते हो. 1 2 3 4. देखो अभी गाय ऐसी है तो बचड़ा कैसा होगा. आशा हो या बिपाशा, प्लीज डोंट मेक अस निराश. आप जाइए ना, आशा को भेजिए. माय गॉड विवेक, इट्स डिफिकल्ट टू जज टैलेंट शोज बगैर टैलेंट का, यू नो. ओके, कहाँ है वो जिनका मैंने बहुत सुना है नाम? आशा. मुझे भी डाउट था है. मार डाला मार डाला मार डाला. नहीं नहीं, सबको मार डाला. आपको गाना किसने सिखाया? मेरा गुरुजी ने सिखाया मेरे को. ओ, आपका गुरुजी कहाँ है? गुरुजी हेलो सर, मैं इसका गुरूर और ये मेरा घमंड. वाह 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 वाह. आपका नाम क्या है? मैं लता. मैं आशा. तो मैं उषा. स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, तो ये हुआ हमारा आज का बिंगो एक्ट. एक बार फिर जोरदार तालियां. तो शुरू करते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ, उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? रितेश, लेट्स स्टार्ट विद यू. सुरेश, आप माइंड ब्लोइंग टैलेंट. मुबीन, यू आर फैंटास्टिक. एंड जेमी, वाओ वाओ, जेमी गेट्स अ
Jamie, your performance was truly deserving of a standing ovation. You are going to go very, very far in comedy and on Comedy Circus. Thank you so much. Hats off. Mubeen, मैंने अपने डैड की मिमिक्री पहली बार सुनी है. जो मेरे पापा की मिमिक्री कर सकता है वो तो मिमिक्री का पापा है ही. और बात से पूछने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जो शक्तिमान है वो खुद शक्तिमान के अवतार में अरबाज से उनके कमेंट्स पूछें. तो बताइए कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस. जी 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 मुबीन, मैं तुम्हारे बारे में बाद में बोलूंगा. सुरेश, यू आर अ ग्रेट गाय, यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. मुबीन, यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट ऑन दिस स्टेज. और ये जो स्टेज है इससे बेहतर कोई स्टेज ही नहीं है इस किस्म का टैलेंट बताने का. Jamie, you're doing exceedingly well and you will continue to get that same amount of love and respect from all of us. Thank you so, great. So much. Kuch achhe scores bhi ho jayen. Wow. 10 points from Arbaaz. Jamie. So judges ne aapko diye hain a perfect 10. So ye hua Bingo Yummy Toast Top 10 Act. अरबाज की बिल्ली भाग गई है अर्चना के कुत्ते के साथ और ये केस पहुंच गया है अब वकीलों के पास. प्लीज वेलकम महाबली कृष्णा सुदेश के योद्धा राजीव ठाकुर एज अ ब्लाइंड लॉयर एंड बलराज एज अ लॉयर. हेलो जी, मेरा नाम है नैन सुख. हालांकि मुझे मेरे नैनों का सुख नहीं कभी मिला. हाँ जी, हमने सुना कि ग्रैंड मस्ती की टीम आई है इधर. मस्तों के टोले के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिसकी मस्ती है उसी की हस्ती है. और मस्त लोग कभी स्वर्ग नहीं जाते क्योंकि ये जहां जाते हैं उसी जगह को स्वर्ग बना देते हैं. हो गई जी इज्जत आपकी. अब अपनी औकात पे आ जाए हम लोग. धन्यवाद जी. फिल्म का ट्रेलर देखा जी. आपकी फिल्म 100% है कि 100 करोड़ क्लब में जाएगी, ये बात कन्फर्म है. और हमारे देश की आबादी 150 करोड़ जाएगी, ये उससे ज्यादा कंफर्म है. लेकिन एक बात के लिए मैं आपका थैंक्स कहना चाहूंगा. अंग्रेजों से आपने बदला ले लिया. आपका ट्रेलर देख के अंग्रेजों की पंजाबी निकली, कहते थोड़ी भैन है की किता. बातों का बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं लायर हूं. मैंने 250 केस लड़ा है और 100% रिजल्ट है मेरा. एक भी नहीं जीता मैंने. मैं जानना चाहता हूं सिर्फ कि आज जैसे लोगों की फिल्म में ना क्लैप ऐसे होता है ना, आपकी फिल्म का क्लैप तो ऐसे ही रहता होगा, ऐसे आता ही नहीं होगा. तो आपकी फिल्म के बारे में मैं और भी बातें करूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं केस जानना चाहता हूं. केस बड़ा संगीन है जी. हमारे यहाँ क्या हुआ कि अर्चना जी का कुत्ता हीरा लाल वो भगा के ले गया हमारे क्लाइंट अरबाज जी की बिल्ली पिंकी को. तो आपका कोई वकील आ रहा है अर्चना जी के, आप उसे खा गई हो बता दो. हेलो. हेलो. साला कभी फोन ही नहीं उठाता. अरे सत श्री अकाल अगे वीर जी, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. बड़े बड़े लोगों के बेटे आए यहाँ पे. क्या बात है सर, क्या बात है. वैसे मुझे यकीन नहीं था कि आप प्रमोट करने आओगे क्योंकि जैसे ही आपने शूटिंग किया आपकी 2 साल बेड रेस्ट बनती कम से कम. केस ये है. हाँ जी. के अर्चना जी का कुत्ता हीरा लाल भगा के ले गया मेरे क्लाइंट अरबाज जी की बिल्ली पिंक. एक मिनट यार, यहाँ मैं कुत्ते बिल्लियों को केस लड़ने आया हूँ. नहीं नहीं जज साहब, एक मिनट गौर से सुने जरा, बात कुत्ते की नहीं है, बात है अर्चना जी की. जब से बेचारा कुत्ता भागा है हाथ में ब्रेड लेके घूम रही है. कब कुत्ता आए, कब हॉट डॉग खाए. देखो अगर बात सिर्फ हॉट डॉग की है तो हमारे क्लाइंट जब सबको बिरयानी खिला सकते हैं तो 5-6 हॉट डॉग तो उनको दे ही सकते हैं. केस रफा दफा करो. यार वो बात नहीं, जो उन्होंने कुत्ते पे मसाला लगाया उसका क्या. जज साहब पॉइंट टू बी नोटेड, कुत्ता खुद भागा क्योंकि मसाला कहीं गलत जगह लग गया. माय लॉर्ड, इस केस के लिए मैं आपके सामने लाना चाहूंगा एक चश्मदीद गवाह. यार आप चश्मदीद ना बोले, सिर्फ गवाह बोले. ठीक है. माय लॉर्ड. अब चश्मदीद नहीं आएगा, अब आएगा सिर्फ और सिर्फ गवाह. माय लॉर्ड. जय रहा कुत्ते हीरा लाल का.
बचपन का दोस्त रमेश। ऑब्जेक्शन जैसा, ये आप कुत्ते की बात कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैं तुम्हारी समझ सकता हूँ। यार मैं इंसान हूँ यार। शादीशुदा हो? हाँ। तो सेम ही है ना? मिस्टर रमेश, माय लॉर्ड जानना चाहते हैं कि उस वक्त आपका दोस्त लास्ट टाइम किसके साथ देखा गया? अरबाज जी की बिल्ली के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड। वो उस वक्त क्या कर रहे थे? वो नहीं नहीं, ये गंदी बात है, मैं कोर्ट में नहीं बता सकता। तो कोर्ट उतार के बता दें। माय लॉर्ड, ये बात जानने वाली है कि उस वक्त दोनों ग्रैंड मस्ती का ट्रेलर देख रहे थे। क्या गलत है इसने? ऐसे ही बदनाम करे कुत्तों को? क्या इसमें बताओ, है उसमें कुछ? हेलो जी, अमीर जी, यार आप क्या एंजॉय कर रहे हैं? आपको तो दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, ट्रेलर देख के थोड़ी थोड़ी आंखें मेरी खुल गई हैं। हाँ फादर, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ फिल्म कब रिलीज होने वाली, ताकि मेरी पूरी आंखें खुल जाए, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। सितंबर 13, 13 सितंबर, 13 सितंबर को मैं दुनिया देखूंगा। जज साहब, अदालत में सबूत पेश करना चाहता हूँ, बिल्ली पिंकी की लिखी हुई चिट्ठी। कमाल कर रहे हो, बिल्ली कैसे लिख सकती है माय लॉर्ड? जब हमें अरे बिल्ली कैसे लिख सकती, जब हमें कुत्ते लिख के दे रहे हैं तो बिल्ली लिख सकती? तो अगर बात कुत्तों की है, तो अभी अभी मुझे स्पीड पोस्ट आया है, हमारे कुत्ते हीरा लाल का चिट्ठी हमारे पास भी है। अच्छा साहब, अदालत में चिट्ठी पढ़ने की जाए चाहूंगा माय लॉर्ड। पिंकी लिखती है कि मैं बाज भाई के घर से खुद भाग रही हूँ, क्योंकि घर में तीन तीन जवान भाई हैं, पता नहीं कब बिल्ली मार दे। इधर सोचो, बिल्ली की बात में इतना कुछ हो गया, कुत्ते ने तो भी बोलना। मैं बताना चाहूंगा कि कुत्ता खुद अपनी जान बचाकर भागा है अपनी मर्जी से, क्योंकि अर्चना उसको मारती थी, वो कहती थी कि रात को चोर आया तू क्यों नहीं भौंका। मैंने कहा कि भाई जब जो चोर आपके खराटे सुन के नहीं भागा, मेरे भौंकने से क्या भागेगा। पिंकी साहब लिख रही है कि मैं अपनी मर्जी से घर से भाग रही हूँ और हीरा लाल के साथ शादी कर रही हूँ। इधर देखो, कुत्ते ने लिखा कि मैं बिल्ली से शादी कर रहा हूँ। हाँ तो फिर उनकी शादी होगी, हम कुत्ते तेरे ऐसे भौंक रहे हैं? जैसा हमने भौंक लिया, हमारा काम वकालत का है, फैसला आप सुनाएं, आप जज हैं। माय लॉर्ड रितेश, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। अगर हम लोग माय लॉर्ड है तो मैं कहना चाहूंगा कि स्टेज पर आप दोनों ग्रैंड लॉर्ड हो। ग्रैंड लॉर्ड, कमाल लॉर्ड हो। थैंक यू रितेश। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो बलराज, राजीव, आपको भी स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, और ये हमारा आज का दूसरा बिंगो एक्ट हुआ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू। और बस, आई पर्सनली फेल्ट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट एक्ट्स आई हैव सीन on the stage ever since I have also been on the stage. The most perfect act. Thank you very much. Archie? Rajiv, aapka stand-up today was brilliant. For that. Thank you. Thank you. Who wrote the script? This is a team effort. Team ke liye. Together. Together. Oh, thank wow, you, thank a perfect you. End from both our judges. Thank you very much. Yes, thank you so much. जजेस दे दिए हैं, तो हमारे इस दूसरे बिंगो एक्ट को दिए हैं हमारे जजेस ने बिंगो यमी टोस टॉप 10। तो एक बार राजीव और बलराज के लिए हो जाए जोरदार तालियां। अर्चना के दांत के कीड़ों की जिंदगानी दिखाने आ रहे हैं महाबली कृष्णा एज अ मेल कीड़ा, सुदेश एज अ फीमेल कीड़ा, एंड खुशबू एज अ सिगरेट।
अर्चना जी के दाढ़ का कीड़ा। लेकिन अर्चना जी मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ क्योंकि आई एम जो कुछ भी अर्चना जी की वजह से हम लोग वालों में 6 साल से मैं इस घर के अंदर रह रहा हूँ। अगर 6 साल पहले इन्होंने ब्रश करना शुरू कर दिया होता हम तो कब के मर चुके होते यार। लेकिन ये क्या बार बार ऐसी मालूम है इनके पेट में चला गया था मैं। वो तो अच्छी बात है थोड़ी देर बाद मैंने नूडल्स खाए तो वो पकड़ के ऊपर आया। ग्रैंड मस्ती क्या बात है। जोरदार तालियां तीनों हीरोज के लिए। आपके प्रोमो देखे हम लोगों ने। प्रोमो देखने के बाद सिनेमा हॉल वालों ने डिसाइड किया है कि कुर्सियों की जगह आप बेड लगाएंगे। मेरे को लगता है ये फिल्म है ही नहीं। मैं बता दूं क्या हुआ होगा। ये तीनों एक दिन गोवा गए होंगे पार्टी मनाने। MMS लीक हो गया होगा। सोचा होगा जब मार्केट में आना है तो फिल्म द्वारा आए ना। रितेश भाई आपने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल किया ना जी। क्या बात है। जिस हिसाब का प्रोमो है इसमें तो हर सीन में डॉक्टर की जरूरत है। दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट। और आप सर आफ्ताब भाई यू आर प्लेइंग बैंक में काम करते हैं ना। लेकिन जैसी आपकी हरकतें बैंक का बैंकॉक वाले ज्यादा लग रहे हैं। खैर स्क्रिप्ट पे आते हैं। मैं कोई ऐसा वैसा कीड़ा नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा खानदानी कीड़ा हूँ। गोविंदा जैसे आदमी को मामा रखा हुआ है मैंने। उनको डांस का बहुत कीड़ा है। वो कीड़ा मैं हूँ। सारा दिन नाचता रहता है। क्या बात। बहुत स्ट्रगल किया मेरे। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन तक सफर बहुत अच्छा रहा। मैं स्टार बन गया हूँ। लेकिन इस औरत ने मेरी फेस वैल्यू नहीं बनने दी। जब भी मुंह खोल के आती हाथ रख लेती हमको भी जो टीवी पे दिखने दो अंदर। हमारा भी क्लोजअप बने यार। ना क्लोजअप नहीं क्लोजअप से डर लगता है अपने को। यार इधर क्या 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 फंसा रहते हैं देखो। खैर मैं इस जबड़े में अकेला नहीं रहता। मेरी गर्लफ्रेंड भी कीड़ी साथ में रहती है। गर्मी क्यों लग रही इतनी। अरे फिक्र मत कर अंदर आ। मैं लगा। अरे जा आ जा बैठ। अरे हवा खा। हाय कुछ खाने को मंगवाओ ना। अरे खाने को क्यों नहीं। इसके दांत में क्या कुछ नहीं फंसा रहता है। रुक जा ये ले। ये क्या है। ये घास है। अरे ये घास है। तू तो कमीने कहता था अर्चना को कि घास नहीं डालता। ये घास कहां से आई। अरे कुछ नहीं घोड़ों को डाली थी ये खा गई। क्या मैं तुझसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। ये क्या हो गया जिन्हें। कीड़ा मेरा कीड़ू 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 जस्ट कीडिंग। सुन शादी की मैंने काफी सारी तैयारियां की हुई है। दिसंबर में शादी करेंगे। खुली जगह होनी चाहिए। बहुत सारे कीड़े आएंगे। खुली जगह। इसका दिल का हॉल बुक करेंगे ना। दिल की बहुत बड़ी है ये औरत। तो जोरदार तालियां बजाओ दिल के लिए। अच्छा गुण हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। हनीमून के लिए काफी दूर जाएंगे। पेट की तरफ। पेट की तरफ। खुला एंजॉय खुली हवाएं। अगर इसने पिज्जा खा लिया था फिर उधर कश्मीर में बाहर निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है खेलने चलते हैं। चलो थोड़ा एंजॉय करें चलो। तेरी मम्मी पापा ने देख लिया तो। पापा का कल देहांत हो गया। क्या वो पिछले वाले दांत में बैठ के इसे एंजॉय कर रहे थे। ऊपर से दांत गिर गया वो चित के मर गए। ये औरत मेरी दादी की भी कातिल है मालूम है। है अभी पार्टी में परसों दारू पी के पागल हो गई थी। क्या हुआ ऐसे से करने लगी। फिर मेरी दादी जबान के नीचे आ के हाथ में मर गई। कितना प्रॉब्लम। सुन इनका ना अभी सिगरेट पीने का टाइम हो गया है। इससे पहले धुआं हुआ। नहीं 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 पहले रिंग सेरेमनी होगी। तुम मुकर जाते हो मर्द कीड़े। अरे रिंग। अरे वो इसलिए मुकरता हूँ। रिंग मैं कहाँ से लाऊंगा यार। तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो इसकी किडनी में चलते हैं। वहाँ क्या है? इसको पत्थरी वहाँ बहुत स्टोन मिल जाएंगे। अच्छा वहाँ पे रिंग सेरेमनी कर लेंगे। आ जा जा इससे पहले सिगरेट पी आ जा। Finally, I met you. How are you? देखो तुम्हारे लिए मैंने काम की लिस्ट रेडी की हुई। गाड़ी निकालो हमें शूट पे जाना है। So just get to work quickly, yeah. All right? क्या है?
Excuse me. तुम दोनों छप्पर गंजू कौन हो? कौन हो? मैं अब्बास हूँ, ये मुस्ताने. आजा तेरे को रेस टू दिखाते हैं. सिगरेट से बदतमीजे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कोई भी सिगरेट अपनी मर्जी से किसी के मुंह में नहीं जाती. वो तो बड़े बड़े लोगों का शौक पूरा करने के लिए खुद मर जाती है. लेकिन तुम लोग तो सिगरेट को ही बुरा मानते हो. हद है. जानते हो, इन लोगों ने हमारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया. एक एक करके मेरा पूरा परिवार पी गई औरत, और तुम मुझे पूरा मान रहे हो. मैंने कहा था इतनी लाइनें मत देना इसको. मैंने तेरे को कहा था. मैंने इसको बोला था. खैर तू फिकर मत कर, अगर अर्चना तेरे को भी पी डालेगी तो तू फिनिश हो जाएगी. इससे पहले एक काम करता हूँ मैं ना, वो जैसे ही तेरे को मुंह में लगाने लगेगी मैं ऐसा दाढ़ पे लात मारूंगा और जैसे वो मुंह खोलेगी भिड़ी नीचे गिर जाएगी. तू भाग जाना. और अगर उसको दर्द नहीं हुआ और उसने मुंह नहीं खोला मेरे को पी गई तो? कोई बात नहीं, फिर हम दोनों अच्छा कर ही रहे हैं. वो देखो, वो मुझे चलाने लगी है. आ रही है. बचाओ. उसको दर्द नहीं हो रहा. अरे मेरे को दर्द हो रहा है. ए चांदी का दांत लगाया इसने. ये गलत किया अर्चना, मेरे दोस्त की तुमने टांग तोड़ दी. इसने मेरी टांग तोड़ी तो मैं इसकी भी टांग काट डालूंगा. 8-8 नंबर दिए थे ना पिछले एपिसोड में. क्या किया, ये क्या किया हमने? अब कमेंट्स कैसे देगी? बस यही बोलेंगी, कितना तुमने बहुत अटैक किया. कितना तुम जब तेज पे आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई लव यू तितना. कितना पहले तुम आते थे तो मेरे पास थपदी नहीं थी, अब तो मेरे पास दबान भी नहीं. कितना आई लव यू तोमत, आई सब यू तोमत, दैट आई एम टोटली, आई एम टोटली 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 इन लव विथ यू. क्या बात है, क्या बात है. आर्ची, आप ही से पूछना पड़ेगा कि आपको ये एक्ट कैसा लगा. बात ही मैं तितना. तू तितना तमीना है. कृष्णा और सुदेश, आपके जो एक्ट्स होते हैं वो मेमोरेबल होते हैं, इसलिए क्योंकि आप वो पहली बार करते हैं इस मंच पर जो पहले किसी ने कभी और नहीं किया होता. हु रोट दिस एक्ट? राज. राज, यू आर सुपर्ब. एंड मैं ताता हूँ, अब मैं बेदुबान हो गई. बस अरबाज, आप लोगों का जो क्लास है ना इज आउटस्टैंडिंग. विवेक, खुशबू, आप बहुत अच्छा कर रही हैं. और सुदेश जी, आप और कृष्णा तो कमाल ही हो यार. अभी कृष्णा, हम सब आपके फैन हैं. भगवान करे कि आप जैसे कीड़े सबको लगे. थैंक यू विवेक. टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स. 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना, 10 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज. बिंगो यमी टोस्ट टॉप 10. आज नन्हे मुन्ने मासूम गोलू के घर आ गए हैं दो चोर. अब उनका क्या हाल होता है चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम महाबली भारती एज गोलू विद निखिल एज गुरु चोर एंड गोली एज अ चेला चोर. विवेक अंकल, मुझे आके अपनी गोद में उठा लो, मैं आपकी गोद नहीं फाड़ूंगा. मुझे आप आकर मेरे पेट में हुलुलुलुलु ये भी कर सकते हैं. ऊपर से मैं बच्चा बना हूँ पर अंदर से मैं भारती हूँ. आई भारती का नाम लिया, देखो उठ के आ गए. अंकल, मुझे इससे कोई असर नहीं हो रहा, भाला लेकर आओ. मजा ही किरकिरा हो गया, दूध भी नहीं पिलाया. अर्चना अरबाज, हंसने में वेरिएशन दो. ये मत सोचो कि वो फिल्म के लिए आए हैं, ये नेक्स्ट शो के लिए जज का ऑडिशन हो रहा है. मैं कहीं फोन कर लूं. हाय. हेलो. हेलो अंकल. हाँ जी बेटा. अंकल, आपके घर में कील है? हाँ मिल जाएगी. सीधा करके उसके ऊपर बैठ जाओ. ओए. इतना प्यारा बच्चा है. आए मत कर, मत कर.
बंदूक इधर लो, ये लो, चॉकलेट चॉकलेट है। हेलो भाई साहब, मुझे अभी यहाँ पे फोन आया था, वो कह रहे थे कि आपके पास कील है। मैंने कहा हाँ है, कहते उसके ऊपर बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, उठ जाओ उठ जाओ, अरे कील का कोई बैठने की जगह है? दुख रहा होगा, दुख रहा होगा, कैसे लग रहा है? ठीक है मैम, ठीक है। उस्ताद, उस्ताद, ये क्या? मैं 3-4 दिन छुट्टियों में क्या चला गया? तुमने अपना मोटा सा पार्टनर चेंज कर लिया? अरे ये पार्टनर नहीं है, ये आदमी जैसा दिखने वाला ये बच्चा है। उस्ताद, मैंने आज तक कभी बड़े आदमी के बच्चे के साथ फोटो नहीं खिंचाई। एक फोटो खींच दो प्लीज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये मैं फोटो खींच रहा हूँ। अच्छा, ए बच्चा बच्चा, ये देखो अभी कैमरे से कबूतर निकलेगा। ए जाहिल, फोकस ठीक करो, मेरे पर लाइट एकदम बराबर होनी चाहिए, और मेरा क्लोज मत खींचना, मेरा मुंह बड़ा लगता है। और साले, फोन पे का कबूतर तेरे बाप ने घुसाया है। जब तक ये बच्चा सो नहीं जाता हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको सुला दे, कुछ कर। अभी थकाने वाली कहानी सुनाता हूँ, पहले गेम खेलूं इसके साथ। बेटा आजा, मैं गेम खेलते हैं, अभी थकेगा। हाँ बेटा, तुमने क्या करना है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा और तुमने हाथ पर करना है। ठीक, हाथ जोड़ो, मजा चुकाता हूँ। मर गए, उसको रुला दिया, उसको शांत कर, मर गए यार, पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। चुप चुप बेटा, आ जा, ओए चल बेटा, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है। खरगोश ऐसे सो जाता है, कछुआ रेस जीत जाता है, और लास्ट में एक कुत्ते को थप्पड़ बजता है। कौन कुत्ता? ये कुत्ता। तू यार सचमुच कुत्ता है, तेरे से बच्चा संभालने नहीं जा रहा है। हमारे तू सुना ले। यस, वो क्या है ना, एक होता राजा, एक होती है रानी, दोनों मर जाते हैं, खत्म होती है कहानी। इसको तो सारी कहानियां पता है और हमसे कहानी सुन रहा है। मर गए यार, तू इसको शांत करा दे, मैं पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। देख, तेरे को मैं घुंघरू की आवाज निकाल के दिखाता हूँ, तुझे बड़ा मजा आएगा। इधर आ, इधर आओ। हाँ हाँ हाँ, देखो घुंघरू। काफी सारे घुंघरू। खुश हो रही है, खुश हो रही है, खुश हो रही है। नाटक अभी बहुत हो गया, सीधा गोली से उड़ा दूंगा। कहाँ पैसा बता, सीधा नाटक किया ना, एक दूंगा। चल बता किधर पैसा। अंकल मुझे क्या पता पैसा किधर है, मैं तो खुद इस घर में खाना चुराने आया था। तो ये घर किसका है? शर्मा का। तो तेरा घर किधर है? मैं तो कमिश्नर का बेटा हूँ। बुखार, बुखार आ रहा है। पापा को फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मत कर। अरे नहीं 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 नहीं, अरे हमको बुखार आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ये बंदूक दे दो, घड़ी भी दे दो, तुम भी दे दो अंगूठी। चोर पे मोर। देखा, जिनके माँ बाप बाहर काम करते हैं, बच्चों को घर की रक्षा कैसे करनी पड़ती है ना अर्चना मम्मी, मिल गया। अरबाज, महाबली, भारती और उनके दो योद्धा निखिल और गोली की इस परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? इट वॉज अ गुड एक्ट, वेरी वेल परफॉर्म्ड, होपिंग फॉर समथिंग मच 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 बेटर फ्रॉम राजी, स्पेशली यू। थैंक यू सो मच भारती, यू वर फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरबाज। रितेश। भारती, आई एम योर फैन, मुझे आप बहुत पसंद हो, आप जब भी किसी भी शादी कर ली सर आपने। अभी बच्चा चाहिए सर आपको, गोद रेडी है। गोद लास्ट में बोला। आप भी नजर प्यार में उनसे करती बातें आप मेरी समझ जाते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज, पंचेस वाइज, यू गाइज वर ग्रेट एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आफ्ताब। भारती, आई एम नॉट गोइंग टू से आई एम अ फैन ऑफ योर्स, क्योंकि मैं शादी करने जा रहा हूँ, एंड आई कैन नॉट बैक ट्रैक ऑन दैट। आई विल गेट मैरिड टू द वन आई हैव कमिटेड टू, बट आई जस्ट वांट टू से दैट आई, यू आर एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। मतलब जो आप बच्चे का किरदार कर रहे थे, आई एक्चुअली फेल्ट दैट यू आर अ चाइल्ड। जो आपकी हंसी है उसका मैं फैन।
So cute, यार. मन करता है उठा के अपने घर ले जाऊं साथ. सर क्या कुछ ज्यादा बोल गया मैं. राजमाता आरजी गोल्डी, आई लाइक टू से आपका स्कोप कम था आज. निखिल आपका वो कील वाला. एंड भारती यू वर सुपर. वो लोटना वो जमीन पर. यू वर टू गुड. वेरी नाइस एक्ट. वेरी वेरी एंटरटेनिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू आरजी. टाइम नाउ फॉर दिस कॉल. स्कोर देने से पहले भारती, वो जो आसानी से जो आप गिरती हैं अपने बॉडी वेट के साथ और वो जो टेंट्रम करती है वो जरा दिखा दो एक. Nine points from Arjun. आपकी हंसी के लिए हम कुछ भी करेंगे. आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे हर शुक्रवार रात 9 बजे ओनली ऑन बिंगो यमी टोस प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.